आज मैं स्लैब टैप आपके साथ फिर हूँ और हम लोग आज कोई छोटे मोटे टॉपिक के बारे में बात नहीं करने जा रहे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ब्रॉड टॉपिक के बारे में, एक ऐसा टॉपिक जिसने हम लोगों को ख़त्म कर दिया, चाइना। चाइना एक कंट्री है जिसके बारे में बताना कोई ज़रूरी नहीं है। चाइना ने काफ़ी कंट्रीज के मार्केट को अपने कंट्रोल में कर लिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो चाइना के मोस्टली प्रोडक्ट हैं वो इंडिया में ही यूज होते हैं। 90% जो इंडिया में प्रोडक्ट्स हैं वो चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं। एग्जांपल ले लें तो जो मोबाइल हैं उसमें इंडियन सेलर मैन्युफैक्चरर्स में आते हैं, इंटेक्स, लावा और माइक्रोमैक्स। इसके अलावा तो मुझे कोई याद नहीं, शायद हों भी लेकिन मुझे याद नहीं है इसके अलावा कोई। बाकी देखा जाए तो चाइनीज़ में तो वीवो, ओप्पो, रेडमी, रियलमी, वन प्लस और कई हैं। उनका कोई लिमिट नहीं है, वो बहुत हैं, बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा। ये ऐसा क्यों है? हमें और चाइना को साथ में ही मतलब थोड़े ही टाइम के डिफरेंस में ही इंडिपेंडेंस मिली, फिर चाइना ने इतनी ग्रोथ कर ली, हम लोग इतना ही कर पाए, वो वहाँ पहुँच गए, हम लोग यहाँ ही हैं, ऐसा क्यों है? फिर मैंने इसके बारे में जब जानना चाहा तो मैंने इस पर रिसर्च करी और फिर मुझे पता चला कि चाइना है, चाइना ने एक स्ट्रैटेजी से काम किया है। चाइना ने हमारे यहाँ के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स को वहाँ ले जाकर अपनी कंट्री में उन्हें बेटर सैलरी दी, फिर उसी हमारे कंट्री के इंसान ने वहाँ जाकर एक बेटर प्रोडक्ट दिया और उन्होंने वही प्रोडक्ट हमें सेल कर दिया है। ठीक है, उन्होंने वही प्रोडक्ट हमें सेल कर दिया तो मतलब टिट फॉर टैट उन्होंने दोनों खुद ही के साइड कर लिए। उन्होंने टिट भी ले लिया, उन्होंने टैट भी ले लिया। इसके अलावा उन्होंने ऐसा भी, उन्होंने मतलब वही प्रोडक्ट हमें बेचा, हमने वो प्रोडक्ट ख़रीदा और फिर जो पैसा हमने उन्हें दिया, उन्होंने वो पैसा पाकिस्तान आर्मी को दिया। पाकिस्तान आर्मी ने उसी पैसे से वेपन्स लिए और वेपन्स टेररिस्ट को दिए और वो टेररिस्ट ने हमारे कंट्री के जवान को और नॉर्मल पीपल्स को मारा। ये बुरा हुआ, मतलब ऐसा एग्जांपल सीधा सीधा अपने गवर्नमेंट देती है कि हम जो टैक्स देते हैं बाद में हमें ही मिलता है, रीपे हमें ही होता है। वैसे ही हम चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीदते हैं और पैसे के फॉर्म में हम उन्हें देते हैं रुपए, ठीक है, और वही रुपए हमें वापस गोली के फॉर्म में मिलते हैं, वही प्रोडक्ट गोली के फॉर्म में हमें ही मिल जाते हैं। वाह, मतलब आप तो बिल्कुल पूरा पूरा फ़ायदा ले रहे हैं कि इधर से टिट भी ले लिया, टैट भी ले लिया, साथ में आप जो मिल रहा वो भी ले जा रहे हैं, आप तो पूरा फ़ायदा ले रहे हैं। और अब देखिए इंडियन मैन्युफैक्चरर्स बेचारे क्या करें, मोस्टली इंडियन जो कंपनीज हैं, जो छोटी कंपनीज हैं वो बंद हो चुकी हैं, बिल्कुल बंद, क्लोज। क्यों, क्या करें, वो कोई ले ही नहीं रहा है सामान और इंसान, अब इंडियंस भी क्या करें। इंडियन वो प्रोडक्ट 18,000 में देते हैं और वहीं चाइनी वही प्रोडक्ट 12,000 में दे देते हैं, अब विद बेटर फैसिलिटी। अब मैं इसके बारे में एक ये भी कहूँगा कि अगर हमें चाइना की तरह बनना है तो हमें देखिए उसी का प्रोडक्ट लेकर, उसकी टेक्नोलॉजी को देखकर, वही टेक्नोलॉजी यूज करके प्रोडक्ट्स निकालने चाहिए और चाइनीज़ प्रोडक्ट को बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। चाइनीज़ प्रोडक्ट या चाइनीज़ आइटम को ही बैन कर देना चाहिए, कोई भी चाइनीज़ चीज़ हो उसे बंद। अच्छा, कहते हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट चलते नहीं हैं, मतलब चले 3-4 महीने चल गए, 5 बहुत ज़्यादा तो 2-3 साल चल गया, लेकिन यार भाई मेरे ये कोरोना तो चलता ही जा रहा है, इसके तो यूजर्स इतने हो गए हैं, क्यों? ये फैलाया भी चाइना में, चाइना ने बना और चाइना में फैला और चाइना ने ये सबको दे दिया, सबने खुशी खुशी ले लिया। है गलती, चाइना की गलती भी है और अपनी गलती भी है।
इसे माने और सोचिए कि इससे हमें ही दिक्कत होती है। चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन कर दीजिए, ये मेरी अपील है आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा।